श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सो दोस्तों, स्वागत है मोदी टी ऑफिशियल चैनल पर। यह उपाय जो है, वैसे आप इस उपाय को शनिवार के दिन या किसी भी दिन किसी भी समय भी कर सकते हो, पर रविवार के दिन इस उपाय को मत करना। यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल, श्रद्धा और भक्ति से किया तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कार्य, मात्र 3 दिन के अंदर ही संपन्न हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, गुरुजी ने बताया था इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 पीपल के पत्ते। जी हाँ, 2 पीपल के पत्ते ले लिए अपन ने। फिर आपको लेना है चावल के दाने। चावल के दाने अक्षत लेना है। अक्षत यानी कि बिल्कुल साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत दाना चावल का लेना है। कितने लेंगे? 5 दाने चावल के, ठीक है। फिर आपको लेना है 1 लोटा जल, घर का जल लेना है 1 लोटा। आपको आपका जब परिंडा रखा रहता है वहीं से भर के लेके जाना है 1 लोटा जल। और फिर आपको लेना है लाल चंदन। अब लाल चंदन आप पूछोगे पिसा हुआ लेना है या जो पीस के बनाते वो वाला, तो आपके पास जो मिल जाए, अगर पिसा हुआ डब्बे में लाल चंदन है तो वो ले लीजिए, एक दाने वाला आता है वो ले लीजिए, या फिर आप घर में पीस के भी, मतलब घिस के लाल चंदन बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, 1 लोटे जल के अंदर जो आपने लाल चंदन लिया है वो डाल लीजिए, चावल के दाने डाल लीजिए और 2 पीपल के पत्ते डाल लीजिए, ठीक है। ये डाल लिया। अब इसको लेके आपको जाना है समी के पेड़ के पास। जी हाँ, इस उपाय को विशेष आप पेड़ के पास ही करना। समी का जब पेड़ मिल जाए वहां कर लेना, नहीं तो फिर थोड़ा पौधा जो थोड़ा बड़ा हो गया हो, छोटू सा पौधा नहीं, थोड़ा बड़ा पौधा हो गया, तो वहां भी आप कर सकते हैं इस उपाय को। आप क्या करेंगे, ये सामग्री सब आप जो लेके गए लोटे के अंदर अपनी कामना कहते हुए चढ़ा दीजिए। बस आप देखेंगे, आपने अगर यह उपाय सच्चे दिल से किया है तो महादेव आपकी मनोकामना 3 दिन के अंदर ही पूरी कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बेल का आइकन रहता है वहां पर प्रेस कर देंगे ना आप, तो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो